साइकिल बटन दबाने से आपका फंक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। रेंड एंड इसके बाद फिर साइकिल बटन दबाएंगे, रेंड एंड स्पिन, इसमें आपका बॉस नहीं करेगा, रेंड और स्पिन करेगा, यानी आपको पानी में खंगालना हो, सुखाना हो, तब इस पे आइएगा, ठीक है। जैसे बाहर से वॉश कर लिया, खाली आपका खंगालना है और सुखाना है, तो आप यहाँ पे लाके स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आता है इको टब क्लीनिंग, ड्रम की सफाई के लिए, जिसमें डी स्केलिंग पाउडर पड़ता है, 1 महीने में एक बार करना होता है, डी स्केलिंग पाउडर 1 महीने में एक बार करना होता है, ठीक है। वो पाउडर क्या लगाता है? हाँ, वो कहाँ मिलता है? वो आपको शॉप पे मिलेगा या शॉप पे मिल जाएगा, ढूंढना पड़ेगा आपको किस शॉप पे मिलता है। स्टार्ट कर देंगे, स्टार्ट करने के बाद आपका ये पल्सेटर बनेगा, 1 से 2 मिनट लेगा, वेट सेंस करेगा, ठीक है। वेट सेंस करने के बाद आपको पानी लेना चालू कर देगा, ठीक है। यहाँ पे आपको टाइमिंग दे देगा, जितना भी वेट कपड़ों का वेट होगा उस हिसाब से, और यहाँ पे आपको वेट अपने आप ले लेगा। हाँ, यहाँ पे आपको वाटर लेवल आ जाएगा, वाटर लेवल तो खैर अभी कुछ दिखा नहीं रही है, अभी लेगा तब दिखाएगा। ठीक है, 48 मिनट लिया, वाटर लेवल को लिया और पानी लेना चालू कर दिया, पानी का जी, ठीक है। आप उसी में स्टार्ट करें, जब भी कुछ निकालना डाला है तो यहाँ से पॉज करेंगे, पॉज करने के बाद आप निकाल डाल सकते हैं, कुछ भी डालना है या निकालना है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका, ये आपका फुल्ली ऑटोमेटिक हो गया, ठीक है। सेमी ऑटोमेटिक के तरीके से यूज करना है तो पावर ऑन करिएगा, इसके बाद इधर रहिए। अगर आपको खाली वॉश करना है, ठीक है, तो इसके अपोजिट वाली लाइटें बंद कर दीजिए, रिंस एंड स्पिन। तो इसको आप प्रेस करेंगे जब, तो मैक्सिमम 5 तक जाएगा, इसके बाद प्रेस करेंगे तो बंद हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से स्पिन भी आपका बंद हो जाएगा। स्पिन का यूज क्या है? स्पिन का मतलब सुखाना है कपड़े, भी करना पड़ेगा, इधर का यूज करेंगे ऑटोमेटिक है, सब करेगा, इधर एक फंक्शन यूज करना चाहते हैं उसके लिए। हाँ, बस उसी का काम करेगा, ठीक है। ये आप खाली वॉश करेगा, अगर आपको रिंस चाहिए यानी पानी में खंगालना है तो इसको ऑन करिए और इसको बंद कर दीजिए, तो इस पर के बाद बंद होगा। अब स्टार्ट कर देंगे तो रिंस करेगा यानी पानी में खंगालेगा, ठीक है। अगर आपको सुखाना है, जैसे आप ज्यादातर मोस्टली बाहर कपड़े धुल लेते हैं, खाली सुखाना है आपको, तो आप यहाँ पे आइएगा, इसको बंद कर दीजिएगा। आपकी वॉश वाली बंद है और रिंस वाली बंद है, खाली स्पिन वाली लाइट जल रही, यहाँ पर भी लिखा हुआ है और यहाँ पर भी सिंबल बने हुए, सेम सिंबल ये बने और सेम सिंबल ये बने, ठीक है। तो स्पिन करेगी आपकी, ठीक है। अब खाली आप कपड़े सुखा सकते हैं, इसमें स्टार्ट कर देंगे, जो भी इसके अंदर पानी होगा वो सारा पानी निकाल देगा, ठीक है। पानी निकले कहाँ जाएगा? बाहर जाएगा जी, ठीक है। इसके बाद आपका ये राउंड लेना चालू कर देंगे, जो भी कपड़े होंगे वो सुखाना चालू कर देंगे। अभी आपकी इसको ढूंढेंगे कैसे, साफ अंदर का क्या चीज, अगर किसी चीज से साफ करना पड़ेगा अंदर? नहीं, साफ वगैरह से साफ कर, ठीक है। 9 पे आ गया, अब अभी आपका ये रोटेट, और इनका क्या यूज है बता, ठीक है। ये है मानसून, मानसून आप ये आप ठंडियों के टाइम पे यूज कर सकते हैं, ठंडी के टाइम पे कम कपड़े सूखते हैं, तो आप ये 15 मिनट + 30 मिनट दोनों ऐड कर सकते हैं, स्टार्टिंग से पहले ही जब स्टार्ट पावर ऑन करने के बाद जो मोड लगाना है लगा दीजिए, इसके बाद इसको सेलेक्ट करिए, फिर स्टार्ट करिएगा। स्टार्ट मोड कैसे लगेगा, जैसे मान लिया हमने ऑन करा जी, पावर ऑफ किया, ठीक है, ऑन कर दिया, ऑन करने के बाद अभी आपका सारे फंक्शन काम कर रहे हैं, मानसून यूज करना है तो प्रेस कर दीजिए, हो गया, ऐड हो गया। तो इधर कहीं ऑटोमेटिक वाला यूज नहीं करेगा क्या? चीज ऑटोमेटिक ही लगा हुआ है, ऑटोमेटिक में तीनों काम करेगा ये। अच्छा, और इसमें भी आप ऐड कर सकते हैं, तो खाली मैनुअल भी करेंगे तो भी उसमें ऐड कर सकते हैं आप, ठीक है। 30 मैक्सिमम 30 मिनट तक की ऐड करते हैं, हटाना है फिर प्रेस करेंगे, हट जाएगा, ठीक है। इंटेंसिव वॉश जब डीप क्लीनिंग चाहिए उसके लिए ये होता है, ठीक है। हाँ, तो इसके लिए आप ये ज्यादा मान लिया कपड़े ज्यादा गंदे हैं, हाँ उसके लिए, ठीक है, उसके लिए इसको प्रेस करेंगे और दाग वाग जैसे मान लिया कोई कपड़े लगा है तो इसके बाद हटाना है तो इसको प्रेस कर देंगे, हट जाएगा, ठीक है।
ठीक है, वैसे स्टार्ट कर देना छोड़ देना। ड्रेन पानी भरा हुआ है, लाइट चली जाती है, आपने बाहर वॉश कर लिया, पानी बह गया इसमें, ड्रेन बटन दबाएंगे, जो भी सारा पानी जो भी होगा पानी इसके अंदर सारा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। डिले एंड वहाँ यूज होगा जहाँ पे पानी की प्रॉब्लम है, 7 घंटे बाद आता है, 8 घंटे बाद, तो आप यहाँ पे 1 आवर लिखा हुआ, 2 आवर, 24 आवर, जितने घंटे बाद चलाना चाहते हैं उतना सेट करिए, स्टार्ट कर दीजिएगा और उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, ठीक है, बस इतना।